अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो गोल्ड ऑल टाइम हाई पे जाके बंद हुआ है। इनफैक्ट गोल्ड ने 2585 2585 के आसपास के हाईज बनाए थे, बट 2578 पे जाके बंद हुआ है। 2580 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे जाके बंद हुआ है। इससे पहले गोल्ड कभी इतना हाई लेवल्स पे बंद नहीं हुआ। पिछले हफ्ते इन्फ्लेशन के लेवल्स से इन्फ्लेशन ज़्यादा घटके तो नहीं आई, इन्फ्लेशन तो एलिवेटेड ही थी, बट जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस ने रिएक्ट किया है उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि गोल्ड इज़ एंटिसिपेटिंग कि अब जो है रेट कट जो है 25 की जगह 50 BPS का होगा। इवन अगर 25 BPS का रेट कट होता है और 50 BPS नहीं होता है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड इज़ एक्सपेक्टिंग, या फिर गोल्ड को कुछ ऐसा पता है जो हमें अभी तक पता नहीं है। इट इज़ पॉसिबल कि मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग अ रिसेशन, या फिर जिस तरीके से लेबर मार्केट में प्रेशर बढ़ रहा है, या फिर जिस तरीके से इकोनॉमी में हाई इंटरेस्ट रेट का प्रेशर बढ़ रहा है उसकी वजह से अनसर्टेनिटी इकोनॉमीज़ में दिख रही है। इकोनॉमीज़ में अनसर्टेनिटी ज़रूर आप कह सकते हो कि डेटा के हिसाब से दिख रही है, बट स्टॉक मार्केट ने अभी तक वो साइन नहीं दिया है जो गोल्ड अभी ऑलरेडी जिस स्पीड से गोल्ड भाग रहा है उसके हिसाब से तो हम ऑलरेडी रिसेशन में हो जाने चाहिए थे, बट इट इज़ पॉसिबल कि गोल्ड इज़ जस्ट प्री रैली मोड में है, और इट इज़ पॉसिबल कि हमें आने वाले महीनों में या फिर प्रॉबली 2025 में कुछ रिसेशन जैसी चीज़ देखने को मिले। या फिर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी गोल्ड इज़ एक्सपेक्टिंग 50 BPS का रेट कट, और अगर ऐसा होता है और अगर 50 BPS का रेट कट होता है काफ़ी लोग मुझसे लाइव स्ट्रीमिंग में भी पूछते हैं, और तो उसका सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। 25 BPS का रेट कट होता है तो ज़्यादा अपसाइड गोल्ड के अंदर मुझे नहीं लग रही है। 50 BPS का रेट कट होता है तो वी माइट एक्सपेक्ट 2650, और अगर 25 BPS के बाद फेडरल रिजर्व चेयरमैन ने कहा कि वी विल होल्ड इंटरेस्ट रेट एटलीस्ट 2024 तक, देन वी कैन एक्सपेक्ट 2400 एंड 2300 एज वेल। तो ये इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो तो हमने समझ लिया कि 25 BPS रेट कट होगा तो क्या होगा, 50 BPS रेट कट होगा तो क्या होगा। वैसे 25 BPS और 50 BPS का मतलब है 0.25% एंड 0.50%। तो अगर 25 BPS का रेट कट होके फेडरल रिजर्व चेयरमैन कहते हैं कि अगला रेट कट नवंबर या दिसंबर में होगा, देन एक्सपेक्ट 2600 2620। 50 BPS का रेट कट करके चेयरमैन कहते हैं कि एक रेट कट की उम्मीद और है इस साल, तो फिर 2700 तक भी गोल्ड जा सकता है। हाउएवर अगर सिर्फ एक रेट कट होता है 25 BPS का और चेयरमैन ने कहा कि इस साल और कोई रेट कट नहीं होगा, तो वापस से आप 2400 और 2300 भी गोल्ड देख पाओगे। ये तो हो गई सिर्फ रेट कट की बात। अब रेट कट ही नहीं होता है सारी मार्केट को चलाने के लिए, इन्फ्लेशन नंबर्स भी आएंगे, जॉब्स नंबर्स भी आएंगे, US इलेक्शन भी हैं, तो बहुत सारे पैरामीटर हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट हैं जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अभी थर्सडे डेटा जो है इन्फ्लेशन का नेगेटिव आया था, मतलब गोल्ड को नीचे आना चाहिए था जिस तरीके से PPI बढ़ा हुआ था, बट गोल्ड डिड नॉट स्टॉप और गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई बनाया। सेकंड पैरामीटर पे गोल्ड चला गया जिस जो था ECB ने रेट कट किया था उसकी वजह से। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा अपने लाइव स्ट्रीमिंग में भी कहता हूँ, जहाँ अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर डेटा अपडेट करता हूँ उसमें भी लिखता हूँ कि हमेशा जो ट्रेड आप करते हो वो डेटा के हिसाब से मत कीजिए, डेटा कैन बी डिसाइसिव। हमेशा ट्रेड जो कीजिए आप लेवल्स के हिसाब से कीजिए। अगर डेटा नेगेटिव आया है और मार्केट को नीचे आना है तो वो लेवल ब्रीच करेगा ही। सो प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग, डू नॉट ट्रेड ऑन डेटा, ट्रेड ऑन टेक्निकल लेवल्स। बाकी 2578 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, एक अच्छी क्लोजिंग बायर्स के लिए कह सकते हैं। ऑल टाइम हाई, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ये वाला हाई, टू बी फ्रैंक मुझे लग रहा था कि 2530 2550 तक मैक्सिमम जाएगा और फिर नीचे आ सकता है,
बट गोल्ड सरप्राइज्ड एवरीवन, और अभी भी आई विल नॉट बी सरप्राइज कि एक बार और मुझे सरप्राइज करे और ऑल टाइम हाईज आ जाए. तो बी प्रिपेयर फॉर सरप्राइज, दैट इज़ द ओनली चॉइस यू हैव इन द मार्केट. अगर आप सरप्राइज होने के लिए तैयार नहीं है देन वेरी रिस्की टू ट्रेड. अभी जो है अच्छी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हो गई है, अनचार्टेड टेरिटरी पे है, बट वी विल हैव रेजिस्टेंस. अभी रेजिस्टेंस देख के आपको पता चल जाएगा क्या रेजिस्टेंस है. बाकी चार्ट्स पे चलते हैं. चार्ट्स पे जाने से पहले, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रख दिया है. पेड सिग्नल्स की जानकारी, कमेंट्री और कमेंट्री प्लस. कमेंट्री में MCX लेवल्स आते हैं, कमेंट्री प्लस में MCX फॉरेक्स के लेवल्स भी आते हैं. सारी जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने. चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं क्या एक्शन अगले हफ्ते हो सकता है. तो यह है गोल्ड का चार्ट, 2578 के आसपास बंद हुआ है. अच्छी क्लोजिंग गोल्ड ने दी है जैसे कि हमने बात करी. बहुत ही ज़्यादा एक गोल्ड को इतने ज़्यादा जब राइज होता है, आप देख सकते हो मंडे ओपन हुआ था गोल्ड 2496 पे, ऑलमोस्ट $100, ऑलमोस्ट $90 की गेन्स जो है गोल्ड में आई है. और मेजॉरिटी ऑफ जो गेन्स आई है 2520 से, 2510 से लेके 2585, यानी $75 की जो गेन्स आई है वो सिर्फ 2 दिन के अंदर आई है, थर्सडे और फ्राइडे, स्पेशली थर्सडे. तो ऐसा जब होता है तो 90% ऑफ ट्रेडर्स जो हैं वो स्टक हो जाते हैं. आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी लोग सेलिंग में अटके होंगे, काफ़ी लोगों के अकाउंट वॉश आउट भी हो गए होंगे. लास्ट वीक हमारा सेल सिग्नल था, सेल सिग्नल था कि बाई सिग्नल था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हमारा टारगेट आ गया. बाई सिग्नल था, माफ़ कीजिएगा, 2502 से शायद बाइंग था और 2514-15 का टारगेट था. 2504 से बाइंग था, 2515 का टारगेट था. तो लास्ट वीक हमारा गोल्ड का बाई सिग्नल था जो टारगेट आ गया था. तो सिग्नल्स की जानकारी आपको पता है कैसे लेनी है. बट हमेशा ये ध्यान रखिए कि $70-$80 जब गोल्ड बढ़ता है, इट डज़ नॉट मीन कि आप ऑल टाइम हाई पे सेलिंग कर सकते हो. इसका ऑल टाइम हाई 2530 के आसपास था, तो काफ़ी लोगों ने 2535, 2540, 2550 पे जाके भी सेलिंग की होगी. दैट इज़ नॉट अ वे टू ट्रेड. ट्रेंड के अगेंस्ट आप प्लीज़ ट्रेड मत करो. ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड करोगे तो हमेशा फंस जाओगे. इनफैक्ट अगर ट्रेंड आपको पता था पॉजिटिव है तो आप 2550 तक पे बाइंग करके स्टॉप लॉस लगा सकते थे ट्रेंड डिसाइडर का. बट हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया. ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करोगे तो फंसने की उम्मीद कम रहेगी. एंड ऑफ कोर्स ट्रेंड के साथ हो या ट्रेंड के अगेंस्ट हो, स्टॉप लॉस तो ज़रूर ही होना चाहिए. स्टॉप लॉस इज़ लाइक योर सीट बेल्ट, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना भी खराब होता है. अभी 2578 के आसपास बंद हुआ है. अगले हफ्ते हमें ये तो पता है कि फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग, बट और भी कुछ डेटा है क्या? आइए देख लेते हैं डेटा की सेक्शन में. मंडे जापान का बैंक हॉलीडे है, चाइना का बैंक हॉलीडे है, यूएस का एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है. ट्यूसडे को कनाडा का CPI डेटा है, यानी कि इन्फ्लेशन नंबर्स, कोर रिटेल सेल्स है यूएस के. वेडनेसडे ब्रिटेन के इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं. ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ब्रिटेन वेडनेसडे को. थर्सडे को ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएस के, एग्जिस्टिंग होम सेल्स है. एग्जिस्टिंग होम सेल्स इज अ गुड इंडिकेटर टू कैप्चर द मैक्रो इकोनॉमिक. उसके बाद फ्राइडे को जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है. जापान एक ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी है जो सरप्राइज कर सकता है. जापान जो है इंटरेस्ट रेट कट करने की जगह बढ़ा सकता है, और उसका जो असर होगा दैट कुड बी वेरी सरप्राइजिंग. अगर फेडरल रिजर्व रेट कट करता है और जापान रेट हाइक करता है,
मार्केट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जापान की मॉनेटरी पॉलिसी पे नज़र रखने की ज़रूरी है, बिकॉज इट कुड सरप्राइज अस। उसके बाद फ्राइडे को ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है और एक एफओएमसी मेंबर की भी स्पीच है। तो 2578 के आसपास ऑलरेडी गोल्ड बंद हो चुका है, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप लेवल के साथ ट्रेडिंग करो। रेजिस्टेंस है $2630 का, सपोर्ट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फार, इसलिए मैं आपको सबसे नियरेस्ट सपोर्ट दे रहा हूँ 2450 का। सपोर्ट इससे एक मेजर सपोर्ट जो है वो 2450 से भी नीचे का है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रेंड हैव नॉट चेंज, ट्रेंड इज़ पॉजिटिव। ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है कि हमारी वीकली एनालिसिस में अभी तक गोल्ड ने नेगेटिव फीचर नहीं किया है, ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है, अक्टूबर लास्ट ईयर से हमने शुरुआत की थी। सिल्वर ने 2950 के ऊपर की ऑलरेडी क्लोजिंग दे दी थी, तो इसका मतलब पॉजिटिव जोन में इसी दिन आ गया था। उसके बाद 2980 से लेके ऑलमोस्ट 3092 तक हाइस बना चुके हैं, ये भी पॉजिटिव जोन में आ गई। इनफैक्ट पॉजिटिव जोन के बाद ऑलरेडी $1 बढ़ भी गई है। ये सपोर्ट है इसका $29.20 का, रेजिस्टेंस है 3190 का, ट्रेंड इसका पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल। चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ, क्रूड ऑयल ने अच्छी कोशिश करी, ये हटा देता हूँ, क्रूड ऑयल ने एक अच्छी कोशिश करी, 65 से लेके ऑलमोस्ट $70 चला गया था। इट इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड कि अफ्लोट रह सके, और वो जो $0 वाला कोविड के टाइम पे प्राइस आया था उसको टेस्ट ना करें, बट अभी भी वीक जोन में है। और कब तक है? जब तक है हमारा रेजिस्टेंस इंटैक्ट, और हमारा रेजिस्टेंस हो गया है थोड़ा सा चेंज, $78 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट विल बी एट $74। ट्रेंड इसका वीक बरकरार है तो रखिएगा ख्याल। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी, कमेंट्री और कमेंट्री प्लस की जानकारी मेरी वेबसाइट पे है, मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।